पेंटिंग करके, किसी को जख्मी करके ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए और कुछ शख्स जो आपके गांव के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, वो सामने आए, हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। गम करते आए हैं कि इनके पास पानी नहीं है। आज इसी प्रोटेस्ट का जो है एक थोड़ा सा एग्रीवेटेड फॉर्म हमें देखने को मिला, जहां पर लोगों ने लंबे समय तक हाईवे ब्लॉक किया। उस हाईवे ब्लॉक में एम्बुलेंसेस भी फंसी, पुलिस ने भी फिर फोर्स का यूज करके लोगों को डिस्पर्स किया। लोगों की एक जायज मांग है कि यहां पर पानी की किल्लत है, और हमारे SDM साहब भी हमारे साथ है, जिन्होंने अभी बताया है कि चीफ इंजीनियर PHE जो है वो खास इस मौके का मुआयना करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पर भेजा है। लोगों का जो गुस्सा था वो हमने देखा कि जायज गुस्सा है, और हमने उन अंदर आकर, गांव के अंदर आकर, क्योंकि लोग थोड़े से वायलेंट भी हो गए थे, पथराव भी कर रहे थे, गाड़ियों के शीशे भी टूटे, हमने ये मुनासिब समझा कि हम आकर लोगों के साथ बात करें। और हमने देखा कि लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी, और अभी सारा माहौल जो है रिजॉल्व हो चुका है। हम लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनके बीच मोहल्ले में हम उनके साथ खड़े हैं। हमने उनके साथ वादा किया है कि उनका मसला जो है अप्रोप्रिएट फोरम पर एस्केलेट किया जाएगा, और जल्द से जल्द उनका ये पानी का मसला जो है वो हल हो जाएगा। मुहर्रम का पाक महीना चल रहा है, लोग इबादत में व्यस्त है, हम भी उनके साथ हैं, और किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम हमेशा से एक साथ चलते आए हैं, और इंशाल्लाह हमेशा से एक साथ चलते रहेंगे। क्योंकि स्टोन पेल्टिंग बहुत लोगों में जो गुस्सा था, रोष था, लोगों ने स्टोन पेल्टिंग का सहारा लिया उसका इजहार करने के लिए। अलबत्ता हमने लोगों के साथ ये एक अरेंजमेंट की, एक अंडरस्टैंडिंग की कि वो वायलेंस खत्म करें। लोगों ने हमें पूरा तावन दिया है, किसी को लगी है उसका इलाज चल रहा है, लोगों का किसी के शीशे भी टूटे हैं गाड़ियों के, हम उसमें जो है बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल यही सच है कि लोग अभी हमारे साथ हैं और अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, और भले उनका मसला जेन्युइन मसला है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो आइंदा कभी भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोटेस्ट वास्ते। सर, पिछले कुछ दिनों से कई जगहों पे हमने प्रोटेस्ट कवर किए थे इसी पानी को लेकर, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आपको जो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना है वो डेमोक्रेटिक वे में कीजिए, पीसफुल वे में कीजिए। पीसफुल मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट के लिए हमारे डेमोक्रेसी में बिल्कुल स्थान है, लेकिन वायलेंस किसी चीज का जो है सोल्यूशन नहीं है। इसमें सबका नुकसान होता है, जख्मी होते हैं लोग, लोगों की प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है। दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन। यही हमने यहाँ भी लोगों को बताया और लोगों ने बिल्कुल हमारी बात सुनी। सर, आपको लगता है पुलिस और लोगों के बीच में जो ब्रिज है, जो हम हमेशा कहते हैं पुलिस और लोगों के बीच में, आप लोग भी कहीं ना कहीं डर रहे कि कहीं कार्रवाई ना हो, एफआईआर ना लगे, जो आपने पहले ही कहा? देखिए, लोगों का किसी, कोई जख्मी हुआ है, कहीं पे कोई शीशे टूटे हैं, तो नुकसान तो लोगों का हुआ है, उसमें जो भी हमारी मिनिमम कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके के से किसी को, किसी नौजवान को दिक्कत पहुंचाना या उसको नुकसान करना हमारा मकसद।